सारी चीजें जो हैं व्यवस्थित होती हैं। आप जब आपके सामने हमारे सर जो आए हुए हैं योग करा रहे हैं और आप उस पर हंस रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता और आप तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो जब तक उसका अभ्यास नहीं किया जाएगा। और कुछ योगों के अपने नियम होते हैं कि ये योग जो है हफ्ते में एक बार होगा या प्रतिदिन होगा, हर योग का नियम होता है। जैसा कि आप बता रहे थे कि ये जो अभी अंतिम जो योग बता रहे थे वो हफ्ते में एक बार होता है और ये अभी इनको हफ्ता ही हुआ है तो इसलिए उसमें समस्या थी। अन्य जो योग क्रियाएं हैं, जो आसान योग क्रियाएं हैं जिन्हें कर करके आप अपना स्वास्थ्य बना सकते हो, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हो, अपने आप को फ्रेश रख सकते हो, ताकि ये चीज़ें आपके शिक्षा ग्रहण करने में सहयोगी या सहायक सिद्ध होंगी, इसलिए ये योग जो क्रिया है ये हमें हम सभी को करनी चाहिए। और इसीलिए ये विशेष कार्यक्रम जिला अधिकारी महोदय द्वारा ये कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालय में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। जो विश्वविद्यालय विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट राम भद्राचार्य जी है वहाँ से ये प्रशिक्षक के रूप में वहाँ के जो गुरुजन हैं वो जनपद के विभिन्न विद्यालयों में अलग अलग जगह जा कर के इस तरीके के कार्यक्रम करा रहे हैं ताकि आप लोग अपनी शिक्षा को अच्छे से, अच्छे मन से, शुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से, शुद्ध मस्तिष्क से और स्वस्थ शरीर से ग्रहण कर सको। आप जानते हो कि बगैर स्वास्थ्य के प्राप्त किए हुए आप किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते, किसी भी कार्य को मन से नहीं कर सकते। यदि आपको छोटी सी भी तकलीफ है, आपकी उंगली में कोई समस्या है, आपको सर्दी है, आपको अन्य कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आप मन लगा करके उस कार्य को नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जो बाधक होती हैं हमारे जीवन की, जो क्रियाएं होती हैं या हमारे जो कार्य होते हैं, चाहे वो शिक्षा ग्रहण करना हो या शिक्षा देना हो या अन्य जो कार्य हो, इन सभी कार्यों के लिए हमें सबसे पहले स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। और स्वास्थ्य सही रखने के लिए तमाम तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें योग विशेष है जो आपके शरीर को, मन को और आत्मा को शुद्ध करता है। और जब आपका स्वास्थ्य आपके पास होगा तो निश्चित ही आप जो भी कार्य करोगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ही अनिवार्य है। ये न केवल हमारे भारत देश में बल्कि विदेशों में भी इसको अच्छे से जाना जाता है। भारत जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसमें, ठीक है, जैन संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति है, इन सभी संस्कृतियों में योग को विशेष महत्व दिया गया है। और आज के समय में अगर आप देखोगे तो विश्व में ये चारों तरफ फैला हुआ है, लोग जान रहे हैं। आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोग अपने आप को तनाव में महसूस करते हैं, काम की अत्यधिकता को लेकर के उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्योंकि काम को जो है ना हम आज का कल, कल का परसों ऐसे करके टालते जाते हैं। जब काम का भार ज़्यादा हो जाता है तो हम पे क्या होता है, समस्याएं बनके तैयार होने लगती हैं, वे बीमारियों का रूप लेना शुरू कर देती हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए योग एक बहुत ही अचूक साधन है जिसके माध्यम से आप अपना स्वास्थ्य जो है अच्छा रख सकते हैं। और अच्छा अगर आपका स्वास्थ्य होगा तो निश्चित ही आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अच्छे कार्य, जो भी आपका कार्य है उसको अच्छे संपन्न कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ शांति से बैठ करके ध्यान से जो हमारे प्रशिक्षक आए हुए हैं आपको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे योगों के बारे में, अच्छी क्रियाओं के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपनी शिक्षा को और बेहतर कर सकते हो। अभी आप पढ़ते हो इसके लिए तमाम तरीके की चीज़ें चलाई जाती हैं, और जैसे आप पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते जब ऊब जाते हो उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें चलाई जाती हैं। लेकिन
यहाँ पर ये विशेष कार्यक्रम है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, स्पेशली आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, आपकी शिक्षा में आप आगे बढ़ें, अच्छे अंकों से आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करें, ऐसी विचारधारा को दिमाग में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में आप शांति से बैठ करके जो हमारे गुरु जी आए हैं उनसे जो भी क्रियाएं वो बताएंगे ध्यान से आप सीखेंगे और प्रतिदिन उनको करके आप अपने जीवन में देखिए कितना बड़ा बदलाव आता है, योग के माध्यम से कितना बड़ा बदलाव आता है। आप फिजिकली अपने आप को फिट महसूस करेंगे, मेंटली भी क्या कहते हैं फिट महसूस करेंगे, और जब आप इसके बाद अपनी शिक्षा में मन लगा के पढ़ेंगे तब इसके परिणाम अलग दिखाई देंगे। तो आप लोग शांति से बैठ जाएंगे, अभी हमारे गुरुजी मध्य जो आए हुए हैं आपको योग के माध्यम से तमाम क्रिया बताएंगे जिनका आप लाभ उठाइए।